हालेलुया, प्लीज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, पवित्र जलन करने वाले बने, जैसे भजन संहिता 84 उसकी 3-4 आयत में लिखा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरिया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। किया ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में भजनकार जलन कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर गोरैया ने अपना घोंसला तेरे घर में बना लिया है, पर मैं तेरी हजूरी से दूर हूँ। अब आप सोचेंगे कि बाइबल में लिखा है कि जलन करना पाप है, जलन न करे, पर यह भी लिखा है कि परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। भजनकार कह रहा है कि गोरैया मेरे से ज़्यादा अच्छी है जो परमेश्वर में घर में रहती है, यानी कि परमेश्वर की हजूरी उनके बीच में है, पर कहता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर की हजूरी नहीं है, इसीलिए वह परमेश्वर की हजूरी को मांग रहा है और धन्य कह रहा है उन लोगों को जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की हजूरी है। इसीलिए भजनकार आगे वाले वचनों में अगर आप उसको पढ़े तो कह रहा है कि सब कुछ खो जाए तो कोई बात नहीं, पर परमेश्वर की हजूरी को मत खोना। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में शमूएल की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एलीआजर के दो बेटे थे, हाफनी और फिनहास। एली परमेश्वर के करीब रहने वाला और शमूएल उसकी सेवा करता था। बाइबल बताती है कि एली को पता था कि मेरे दोनों बेटे परमेश्वर के भवन में गलत काम करते हैं, जो परमेश्वर के घर में औरतें आती थी वह उनके साथ गलत काम करते थे, जो लोग परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए चीजें लेकर आते थे वह उनमें से पहले ही पहला हिस्सा निकाल लेते थे। लिखा है कि परमेश्वर इस बात से नाराज था, पर परमेश्वर ज्यादा नाराज इसीलिए था कि एली के अंदर कोई जलन नहीं थी, और परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि शमूएल, मैं एक दिन में ही एली के दोनों बेटों को मार दूंगा और एली भी उसी दिन मरेगा, और मैं इसराइल के लिए नया नबी ठहराऊंगा जो मेरे करीब होगा। एली को परमेश्वर ने कहा कि हे एली, तू मेरे से ज्यादा अपने बच्चों का क्यों आदर करता है, तू उनको डांटता क्यों नहीं है। पर एली उस समय चुप था, वह अपने बेटों को देखकर गुस्सा नहीं करता था और उसके अंदर कोई जलन नहीं थी, इसीलिए वह दोनों बेटे एक युद्ध में मारे गए और एली भी उसी दिन मर गया। याद रखें, जो लोग जलन करने वाले नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रति जलन नहीं करते, वह अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंच नहीं पाते और न ही वह आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र जलन हर एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। मैं उस जलन की बात नहीं कर रही जो संसारिक जलन है, मैं उस जलन की बात कर रही हूँ जो भजनकार कह रहा है। जब आप पवित्र जलन करने वाले होंगे तो परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा और आप ऊंचे किए जाओगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्र जलन करने वाली बनूंगी और आपके नाम को ऊंचा करूंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की।